नमस्कार, मैं के सिंह और आप देख रहे हैं नचार न्यूज। आज नेपाल से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि चीन ने पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नेपाल को सौंप दिया है और नेपाल के लिए बड़ी खुशी की बात है कि नेपाल का सालों पुराना सपना अब पूरा होने जा रहा है। चीन ने पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नेपाल को सौंप कर एक बहुत बड़ा काम किया है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि नेपाल का पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कब से शुरू होने वाला है। चीनी विदेश मंत्री वांग ने शनिवार को प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की उपस्थिति में विदेश मंत्री नारायण खड़का को परियोजना की प्रतीकात्मक कुंजी सौंपी है। हवाई अड्डे का निर्माण चीन के निर्यात और आयात बैंक से रियायती ऋण के साथ किया जा रहा था। परियोजना अधिकारियों के अनुसार पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का कुल 93% काम पूरा हो चुका है। चीन निर्माण कंपनी केम्स अपने मुख्य निर्माण कार्य और यांत्रिक कनेक्शन के पूरा होने के बाद हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे को नेपाली अधिकारियों को सौंपने वाली है और नेपाल का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अब उड़ान भरने के लिए तैयार हो चुका है। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कमेंट लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नेपाल की हर नई अपडेट आप तक पहुंच सके।